कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला होना अब तय हो चुका है। दोनों नेताओं ने नामांकन भर दिया है। ऐसे में अब जीत हार को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। नामांकन के दौरान खड़गे के प्रस्तावक बने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोपहर बाद करनाल पहुंचे तो मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी। हुड्डा ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी के नाम की प्रस्तावना करता है तो उसका यही प्रयास रहता है कि वही चुनाव जीते। हालांकि इस मौके पर चुनाव में शशि थरूर के अकेले पड़ जाने के सवाल का भी हुड्डा ने जवाब दिया। खड़गे के प्रस्तावक आज बने हैं, क्या लगता है उनकी जीत का? देखो, जब जो आदमी किसी का नाम का प्रस्तावना करता है तो वो प्रयास करता है उसको जिताने की। तो अब चुनाव है और मेरे पूरा वो है मल्लिकार्जुन, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी एक बहुत तजुर्बेकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, कई दफ़ा विधायक रहे हैं, कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, इनके बनने से कांग्रेस मजबूत। शशि थरूर जी अकेले पड़ गए सर जी एकदम? चुनाव है, चुनाव में वो भी हमारे साथी हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इनका नामांकन भरा है तो मेरे सहयोग जो है मल्लिकार्जुन के साथ। कल कुमारी सैलजा करनाल आ रही है, फिर आपको कोई इतराज है? नहीं, वो अलग अलग से आपको कोई इतराज है? अध्यक्ष पद के मुकाबले में मल्लिकार्जुन खड़गे का पड़ला थरूर से काफी ज्यादा भारी दिख रहा है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गांधी परिवार खड़ा है तो वहीं G23 के नेता शशि थरूर के साथ कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा। हुड्डा का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तजुर्बेकार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और अगर खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।